ये सिटी ऑफ नाइस है, जिसको फ्रेंच में नीस कहते हैं, और ये इसकी मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हैं वो ट्राम की पट्टियाँ लगी हुई हैं, और थोड़ी देर में ट्राम आएगी वहाँ से। हमारे जो इस साइड पे जो है वो ट्रेन स्टेशन है, और ये वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ ट्राम चलाने की इजाज़त है, गाड़ी नहीं चला सकते, साइकिल भी चला सकते हैं। ये यहाँ की चर्च है, मोर लाइक अ कैथीड्रल। चर्च और कैथीड्रल में ये फ़र्क है, जैसे जामे मस्जिद और मस्जिद का होता है कि कैथीड्रल में ज़्यादा लोग जमा होते हैं। जो जगह है यहाँ पर, रात को जो मुझे पाकिस्तानी भाई मिले तो कह रहे थे कि यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती समर में, तो धूप जब निकली होती है तो सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आ जाते हैं और घूमते हैं फिरते हैं और सैर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे तकरीबन 100 पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, जिसमें से 90 के रेस्टोरेंट्स तो सिर्फ 10 काम करते हैं, तो विच इज़ अ ग्रेट साइन कि यहाँ लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो होटल्स और रेस्टोरेंट ही है, क्योंकि ये वेकेशन टाउन है। ये नीस का मेन स्क्वायर है, जहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। और ये ऊपर जो है इन्होंने बत्तियों के लैंप्स लगाए हैं ट्रांसपेरेंट मुजस्मे। शहर के बीचों बीच ये अपना पियानो रखने शुरू हो गया, और ये पियानो का डिज़ाइन देखो, इसके नीचे इसने पहिए लगा के ये पियानो लेकर आया है। साइकिलें हैं जो कि आप रेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये शहर है नीस, राइट, और इटली का और फ्रांस का जो कोस्टल रोड है उसमें इस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे शहर नज़र आएंगे। बट आपको ये पीछे जो रोड नज़र आ रहा है, ये एक हाईवे है, एक पेड हाईवे है, जो कि हमारे सीपैक वाले रोड और मोटरवे वाले रोड जैसा हाईवे है, जो कि अब आप नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे इस साल के अंत तक या अगले साल, तो आपको इस तरह के हाईवे नज़र आएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इस हाईवे से हमारे छोटे इलाकों को फ़ायदा होगा। वेल, फ़ायदा तो होगा, क्योंकि थोड़ा सा फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हम जो लोग लेफ्ट ए टू बी जा रहे होंगे, यानी कि कराची से लाहौर जा रहे हैं या लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि छोटे शहरों में रुकते हैं, और छोटे शहरों में रुकने के बाद वहाँ गाँव में जाते हैं और रहते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि इट्स लाइक 3 आवर ड्राइव, सो वी डोंट रियली स्टॉप। बट प्राइसेस हैव डेफिनेटली गॉन अप, और अगर 2-4% लोग भी ये करते हैं तो स्टिल प्राइसेस गो अप एंड एवरीथिंग। सो
हमें बस मुझे ये थॉट आई थी दिमाग में कि ये हमारे सी पैक वाले रोड कैसे लग रहे होंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे सिस्टम जो इन्होंने बनाया है, इतना ऊंचा है ब्रिज के अनबिलीवेबल है। बट पहाड़ को घुमाने की बजाय उन्होंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान में बहुत सारे ब्रिजेस बना दिए, तो आप बाईपास करते हुए जा सकेंगे। सेम चीज़ सी पैक में भी हो रही है और सी पैक के हाईवे भी ऐसे ही होंगे। तो देखते रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कोई और किस्म की वीडियो बनानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका ख्याल रखिएगा।